तो भाई देखिए, म्यूजिशियंस की डिमांड अब इंडिया में बढ़ती जा रही है। एक दौर था जब बस बॉलीवुड एक्टर्स इवेंट करते थे उनके लिए भीड़ लगती थी, लेकिन म्यूजिशियंस का इतना नाम नहीं था। थैंक्स टू हिप हॉप कम्युनिटी, हिप हॉप की भाई अब म्यूजिशियंस की बात होने लगी है। और एक कॉम्पिटिशन था जो कि म्यूजिक कल्चर ने चलाया था, और भाई काफी सारे नॉमिनेशन थे, बहुत तगड़े तगड़े नॉमिनेशन थे। सबको लग रहा था कि भाई इस बार तो बाजी है ना, बादशाह मार जाएंगे। वेट लूज किया है, लुक भी तगड़ा बन गया। तो कुछ लोगों का कहना था कि देखा कि भाई सब कैसी भाई सबसे लगाई है रफ्तार ने, रफ्तार जीतेगा। कुछ का कहना था कि भाई एमसी स्क्वायर ले जाएगा, तो कुछ कह रहे थे भाई किंग। चलिए अब रिजल्ट्स देख लेते हैं 1-5। तो नंबर 5 से शुरू करते हो, देखते हैं नंबर 1 पे कौन है। नंबर 5 पे है इक्का। एंड इस बात से काफी लोग नाराज भी होंगे कि यार इक्का नंबर 5 पे कैसे आ सकता है, देयर आर मोर पीपल। सुन तो लो, नंबर 4 पे कौन है। नंबर 4 पे वो है जिनके बारे में ऐसा था कि ये नंबर 1 पर जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किंग की। तो किंग आए हैं नंबर 4 पर। नंबर 3 पर आता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, सीरियसली मेरे को तो नहीं थी, कृष्णा। हर कोई सोच रहा था कि भाई रफ्तार या बादशाह में से कोई होगा, रफ्तार या बादशाह में से कोई होगा, लेकिन भाई नहीं हुए, यहाँ पर आ गए हैं कृष्णा। अब बारी आती है नंबर 2 की, और इनका नाम सुनते तुम कहोगे साला फेक है ये सारी चीजें, बट क्या करें भाई, जनता ने चुना है तो चुना है। नंबर 2 पर है एमी वे बंटा है। भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज मुकाबला रहा इस बार का। बाकी लोगों का कहना है कि भाई गाने कैसे हो, लोंडा तो स्टड पड़ा है, लोंडा तो सुंदर है, बाल बड़े बड़े, लुक तगड़ा काफी। तो अब देखते हैं नंबर 1 पे कौन है। तो भाई नंबर 1 पे है ना बादशाह, ना रफ्तार, ना कोई और, यो हनी सिंह। भाई क्या ही लुक निकल कर आया है इनका, ऐसा लग रहा है कि 15-20 साल पीछे चले गए हैं, वही अपना माफिया मुंडीर वाले हनी सिंह बनकर आए हैं। लगता है अभी भाई जब यार भतेरे की रैप मार देंगे शर्ट निकाल के। तो हियर इज द लिस्ट। अब आप बताओ आपने किसको मिस किया, कौन आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। बाकी मिलता हूं जल्द एंड के होने वाले, दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।